तो गाइस देखिए, सूरज ने और मैंने इतने तोड़ रखे हैं। फाइनली गाइस हमारा एक कट्टा भर चुका है, ये देखिए, जिससे लिपा जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो एक नई दिन की नई शुरुआत करते हैं देवभूमि के इन खूबसूरत पहाड़ों से। मेरा नाम है सौरभ चौहान। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो दो चार दिन का ऐसा था कि लाइट का प्रॉब्लम आ रखा है पहाड़ों में, और कहते हैं लाइट की बहुत दिक्कत आ रही है, कभी जा रही है तो कभी आ रही है। तो आज की मौसम की अपडेट दी जाए तो सुबह सुबह धूप आ चुकी है पहाड़ों पे मस्त करके। तो गाइस मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, देखिए धूप आ चुकी है बढ़िया करके। सामने वाले पहाड़ों में हल्की हल्की छाया है क्योंकि वहाँ धूप ऐसे आ रही है सीधे, लेकिन जब सूरज इस साइड को घूमेगा तब क्या कहते हैं वहाँ भी धूप आएगी बढ़िया करके। और अभी तो फिलहाल ये सब मौसम हो रहा है, आज बादल भी नहीं लगे हैं। तो क्या कहते हैं ITI जाना है फिर, और ज़रूरी भी है जाना। अभी 9 बजे जाएंगे फर्स्ट क्लास करके। सुबह सुबह मैं भी उठ गया था और क्या कहते हैं थोड़ा बहुत धूप सेक रहा हूँ, फिर क्या कहते हैं उसके बाद तैयार यार होते हैं, फिर निकलते हैं ITI को। फाइनली गाइस रेडी वेडी हो चुके हैं, सूरज भाई का वेट हो रहा है। कहते हैं नोग में एक पेड़ पड़ता है, क्या कहते हैं आंवले का, बहुत ज़्यादा आंवला हो रखे हैं उसमें। तो क्या कहते हैं आंवला तोड़ेंगे वहाँ घर को आने वक्त, अगर वहाँ के लोग कुछ नहीं बोलेंगे तो पहले पूछ लेंगे, फिर उसके बाद क्या कहते हैं आंवला तोड़ेंगे। तो फिलहाल के लिए हम रेडी वेडी तो हो चुके हैं और भाई भी आ चुका है नीचे से, तो सीधे ऊपर ऊपर को चलते हैं और क्या कहते हैं ITI को। तो चलो फाइनली गाइस यहाँ बैठे हैं राजधानी वहाँ, और क्या कहते हैं अभी हम जल्दी पहुँच चुके हैं ना, तो कहते हैं थोड़ा देर यहाँ बैठे हैं। भाई लोग कह रहे हैं चाय वाय पीते हैं, तो ये चाय वाय पी रहे हैं। और एक खूट गांव है, कितना मस्त दिख रहा है देखिए। आज हिमालय इतने प्रॉपर तरीके से नहीं आ रखा है, वहाँ बादल लगे हैं। तो कहते हैं गाइस ऊपर हमारा ITI है, तो नीचे हम अभी बैठे हैं आराम से। रोड जा रही है बॉस गाँव को जा रही है, आगे कुजाड़ी है। तो फाइनली गाइस क्या कहते हैं ना हम जा रहे हैं आंवला तोड़ने। मैंने बोला था ना सुबह हम पॉलीथीन लाए थे घर से। और ये देखिए गाइस यहाँ बेर भी बहुत पके हैं, ये देखिए हम खाते हैं थोड़ा बहुत, इसलिए भी चखते हैं। बेर पकनी कैसी? लाल वाला खा रहे हैं। तो गाइस ऐसे हो रहे हैं लाल वाले पहाड़ी बेर, एक बेर अलग होते हैं, एक बेर ये वाले होते हैं। तो इतने सारे हुड़के इस झेड़ी में तो नीचे चलते हैं। आवला चोरी नहीं जा रहा, तो नीचे पेड़ है आंवले का, बहुत बड़ा पेड़ है। पॉलीथीन लाए हैं तो हम दो भाई चलते हैं, मैं और सन्नी। ये गाँव में पड़ रहा है ये पेड़, किसी को तोड़ना है तो तोड़ लेना। तो ये नीचे है देखिए, तो गाइस ये आंवला हो रखा है, आंवला का पेड़ ये देखिए। तो क्या कहते हैं यहीं से तोड़ते हैं, थोड़ा बहुत तोड़ते हैं, फिर उसके बाद दिखाते हैं आपको कितना तोड़ रखा करके। ये पूरा आंवले का पेड़ है, तो घर को ले जाना है, अचार वचार बनाएंगे उसका। ये देखिए इतने सारे आंवला तोड़ के ला रखा हूँ, एक मुँह में भी डाल लिया। तो अभी तो बहुत सारे हो रखे हैं वहाँ, जिसको तोड़ना है तोड़ लेना। तो बहुत थक गया हूँ, रोड की उधर को चल रहा हूँ, तो इसका बनाएंगे अब अचार बढ़िया करके। ये पेड़ बहुत पुराना है पर, और हमेशा
इसमें आंवले होते हैं। तो गाइस सीधे घर मिलते हैं आप सभी को। तो गाइस देखिए, सूरज ने और मैंने इतने तोड़ रखे हैं। गड़ियो माठू माठू कने ए गोप है आंवला खाते खाते घरों पहुंच गो। और ये देखो इधर तो तोड़े रो ज्यादा तो दिखाई नहीं पा। और नागो वाले हमको रिकमेंड करे। नौ गांव से तोड़ के लाए, मतलब वहां बहुत बड़ा पेड़ है वो और बहुत ज्यादा हो रखे हैं वहां। तो क्या कहते हैं, हमने सोचा कल देखा हमने और आज तोड़ के लाए। तो हम खाली नीचे नीचे तोड़ के ला रखे वहां। तो अभी वहां तो अभी वहां कट्टे भी नहीं भर जाएंगे। तो वहां जाना है और तोड़ के लाना है और जाएंगे, लेकिन अभी नॉर्मली इतना ले जाते हैं। तो पहले गाइस घर को जाते हैं, फिर आप इसको भी घर में दिखाते हैं कि इतना सारा तोड़ के ला रखे करके। आजकल के दिन ना बिल्कुल मुझे दिन आ गए हैं आजकल। ठंड में जाओ तो ठंड लग रही है, घाम में जाओ तो घाम लग रहा है। ये अब क्या होगा, काम हो रही है ऐसा रहो दगड़ियो कि बोलो। आप हमारे तो सहज आप अपने डेली व्लॉग में आपको दिखाता हूँ ही हूँ फिर आप सभी को। और ये हमारा गांव है पीछे इस प्रकार का छोटा सा प्यारा। तो क्या कहते हैं गाइस, अभी का प्लान बन रखा है जंगल जाने का और वहाँ से मट्टी लाने का। तो क्या कहते हैं, जंगल जा रहे हैं, थोड़ा लिपाई पताई के लिए मट्टी ला रहे हैं। तो ऊपर से जाना है रोड साइड पाँच नवा खाई के तक माट लूँ जाए माट है या। तो क्या कहते हैं, थोड़ा खाई के तक चल रहे हैं, वहाँ लिपाई पुताई के लिए मट्टी होती है तो मट्टी लानी है घर के लिए। तो अभी चल रहे हम सीधे मिलते हैं जंगल में, जंगल का टूर देते हैं थोड़ा बहुत। अभी बजे करीबन 4 और जस्ट अभी अभी उठ के ऊपर को ही जा रहा हूँ। तो क्या कहते हैं, उसे स्पेशली जंगल से लाना पड़ता है और घर की मिट्टी से, मतलब वो अंदर लिपने के काम भी आती है ना, लिपाई पोताई काम होता है उसका। वो तो उस मिट्टी को जंगल से लाना पड़ता है। तो इतने जने जा रहे हैं वहाँ से। तो अभी हल्की फुल्की धूप आई है फिर। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने क्रिकेट वाले ग्राउंड में जहाँ हम क्रिकेट खेलते थे। मेरे पिछले व्लॉगों में आपने देखा होगा हम यहाँ क्रिकेट खेलते थे इस ग्राउंड में। मतलब ग्राउंड नहीं है, मतलब ये मतलब पहाड़ियों का ऐसा ठहरा, आप जहाँ भी मिल जाए मतलब वहाँ खेल लेते हैं हम। जैसे कि अभी का टाइम जो हो रहा है, अभी जो सीजन चलेगा वो खेतों में खेलेंगे, लेकिन उस टाइम जो खेत बोए होते हैं ना, तो क्या कहते हैं, हम यहाँ आते हैं खेलने यहाँ जंगल के बीच। और यहाँ खेलने में बहुत मज़ा आता है। अभी तो फिलहाल अगल बगल सब जगह झाड़ियाँ हो रखी है, लेकिन उस टाइम ज़्यादा नहीं होती है, उस टाइम हम काट देते हैं। तो इस प्रकार का कुछ भी चाहिए, अभी तो पूरी घास घास हो रखी है नीचे। तो क्या कहते हैं, मेरे को जाना है उधर खाइए। अभी मैं यहाँ से पैदल जाऊँगा। दीदी और सुनता लोग को मेरी गाड़ी मिल गई थी और वो निकल चुके हैं, मैं जा रहा हूँ पैदल। और पैदल चलते हैं फिर। तो क्या कहते हैं गाइस, यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ से निकालेंगे मट्टी। ये सब मट्टी की खदान है, लिपाई पुताई के यहाँ से ही निकालते हैं गांव वाले। ये सब खोद रखा है इन्होंने, जैसे सुअर नहीं खोदते वैसे खोद रखा है। तो जो भी है, मतलब हमें यहीं से निकालते हैं मट्टी। ये देखिए इस प्रकार की कुछ खदान है और रोज़ ले जाते हैं आप सभी लोगों को। तो क्या कहते हैं, ये देखिए इस प्रकार का कुछ है और यहाँ से मट्टी खोदेंगे अभी। जैसे कि ये खोद रही है और सुनता भी आई है हमारे साथ सरमामद। तो क्या कहते हैं, अभी हम जंगलों के बीच में है फिर, बहुत दूर आ चुके हैं गाँव से। तो यहाँ से एक दो कट्टे ना, तीन कट्टे ले जाएंगे। तो फाइनली गाइस हमारा एक कट्टा भर चुका है, ये देखिए आधे भरा है। ऐसे होती है कुछ मिट्टी जिससे लिपा जाता है हमारा अंदर का, क्या कहते हैं उसे, चौक घर, चौक चाक कहते हैं वैसे तो पहाड़ में। तो कमरा होता है वो, लिपाई पुताई का काम ही आता है, मतलब ज्यादा मट्टी है घर को पोतने का भी काम आता है। और
और कुछ कुछ मिट्टी की ढेल हो चुकी है। ये देखिए मिट्टी ना बिल्कुल ठोस हो चुकी है, लेकिन ये काम की नहीं होगी अब बहुत। इसके अंदर पत्थर भी होगा ना, इसलिए तो ढेल टाइप की बन चुकी है। लेकिन एकदम नरम नरम मिट्टी चाहिए जो अंदर से अभी, जो कि अंदर से अभी खोदी जा रही है। कहते हैं गाइस हमारे कट्टे बट्टे दो तो भर चुके हैं और एक और बचा है, तो उसको भी भर रहे हैं। और क्या कहते हैं मेरे पीछे ना, ये देखिए इतने सारे शूट है, बट ये किसी काम के नहीं है। इसमें कुछ दाना वाना नहीं है खाने वाने को, खाली अब इससे आग जलाई जा सकती है खाली, और यहाँ आग जला नहीं सकते जंगल में। और इन्हें ले जाने के लिए ना हम कुछ ला भी नहीं रखे हैं। कितने सारे ये देखिए, इतने सारे हैं। तो क्या कहते हैं इन्हीं पेड़ों से निकलते हैं ऊपर, पेड़ों में लगे हैं बहुत सारे शौक के पेड़ बोलते हैं इन्हें। और क्या कहते हैं ये कुटाव है, इसे ही खोद रहे हैं फिर हम पहाड़ी कुटाव। तो कहते हैं हिंदी में से कुदाल बोलते हैं। चुप जा मत सीखा मेरे को पता है, मैं अपने पहाड़ी भाई लोगों को सब बता रहा हूँ, मतलब अपने सब्सक्राइबरों को बता रहा हूँ। क्या कहते हैं तो चलिए क्या कहते हैं अपना कट्टे बट्टे भर चुके हैं और निकलते हैं घर को। अब तो ब्लॉग नहीं कर पाऊँगा साइड में, क्योंकि वो कंधे में होगा। तो क्या कहते हैं हमारे चार तीन कट्टे भर चुके हैं, देखिए कितने भारी हो रहे हैं। तो इनको उठा के ले जाना है हमने। और ये देखिए इतनी सारी मिट्टी है, फिर हमारे गांव के लोगों ने यहां से ही ले जाते हैं, सो हमारे गांव के लोगों ने खोद रखी है ये। तो चलिए घर को चलते हैं अब सीधे, उठाते हैं अपना अपना